वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई इंग्लिश क्लास में। अगर आपने हमारी पिछली इंग्लिश लर्निंग वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले उसे जाकर देख के आइए, फिर यहां पर दोबारा से आइएगा ताकि आप और बेहतर तरीके से आप इंग्लिश को सीख सके और आगे बढ़ सके। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी यानी शब्दों की जानकारी। आमतौर पर किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सीखने के लिए अगर उस लैंग्वेज के 1000 शब्द आपको आते हैं तो आप उस लैंग्वेज की बेसिक स्पीकिंग कर सकते हो। जैसे जैसे हम नए नए शब्दों को अल्फाजों को जानते रहते हैं उतना ही ज़्यादा हम उस लैंग्वेज को इम्प्रूव करते रहते हैं और उस लैंग्वेज को जानने की, समझने की और बोलने की, पढ़ने की, लिखने की तमाम चीज़ों में हम अपग्रेड होते रहते हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें आएंगी, आपको उन्हें पहचानना है। देखिए ये किसकी तस्वीर है? जी हाँ, विद्यार्थी तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट की। स्टूडेंट की स्पेलिंग है STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। अब देखिए ये किसकी तस्वीर आ गई? जी हाँ, लड़की की। लड़की को कहते हैं गर्ल। गर्ल यानी GIRL, गर्ल। ये देखिए ये किसकी तस्वीर है? आदमी की। वेरी गुड। आदमी को इंग्लिश में कहते हैं मैन, MAN, मैन। अरे अब देखिए ये कौन है? जी हाँ, औरत। औरत को इंग्लिश में कहते हैं वुमन, WOMAN, वुमन। अरे ये किसकी तस्वीर है? जी हाँ, ठंड की। ठंड को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड, COLD, कोल्ड। ये भाई साहब कौन है? जी लड़के हैं। लड़के को इंग्लिश में कहते हैं बॉय, BOY, बॉय। वेरी गुड। हमने शब्दों को तो जान लिया, चलिए अब इनका सेंटेंसेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे कहना है मैं विद्यार्थी हूँ, इसको इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? कहेंगे I am a student। अगर आपको कहना है ये विद्यार्थी है तब आप कहेंगे This is a student। अगर आपको कहना है कि मैं लड़की हूँ तो उसको इंग्लिश में कहेंगे I am a girl। आपको कहना है ये लड़की है तो कहेंगे This is a girl। अगर आपको कहना है कि लड़की गुड़िया के साथ खेल रही है तो आप कहेंगे The girl play with doll। चलिए आगे सीखते हैं। अगर मुझे कहना है कि मैं आदमी हूँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे I am a man। अगर मुझे कहना है ये आदमी है तो कहेंगे This is a man। अगर मुझे कहना है कि आदमी कार चला रहा है तो कहेंगे The man drives a car। अगर कहना है कि मैं औरत हूँ तो उसके लिए कहेंगे I am a woman। कहना है ये औरत है, इसके लिए कहेंगे This is a woman। अगर मुझे कहना है कि औरत चल रही है, उसको इंग्लिश में कहेंगे The woman is walking। अगर मुझे कहना है कितनी ठंडी है, कहेंगे How cold is it। अगर मुझे कहना है पानी ठंडा है तो कहेंगे Water is cold। अगर मुझे ठंडा पानी मांगना है तो कहेंगे Give me cold water। अगर मुझे कहना है कि मैं लड़का हूँ तो कहूँगा I am a boy। अगर मुझे कहना है ये लड़का है तो कहेंगे This is a boy। अगर मुझे कहना है कि लड़का खेल रहा है तो कहेंगे The boy is playing। आज हमने बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखे और उनसे जुमले बनाना यानी सेंटेंसेस बनाना भी सीखा। तो चलिए आखिर में हम वर्ड्स देख लेते हैं कि कौन से नए वर्ड्स आज हमने इस लेसन के अंदर सीखे। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, तालिबे इल्म। गर्ल यानी लड़की। मैन यानी आदमी। वुमन यानी औरत। कोल्ड यानी ठंड। बॉय यानी लड़का। आई यानी मैं। एम यानी हूँ। रीड यानी पढ़ना। बुक यानी किताब।
प्ले यानी खेलना, विथ यानी के साथ, डोल यानी गुड़िया, ड्राइव यानी चलाना, वॉक यानी चलना, हाउ यानी कितना, इट यानी है, गिव यानी देना, मी यानी मुझे, प्ले यानी खेलना। प्यारे दोस्तों, आज हमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे और उनसे सेंटेंसेस बनाना भी। यह हमारी सेकंड वीडियो थी और मुझे उम्मीद है कि आपने ये दोनों ही वीडियो देखी होगी। आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं जितने भी लेसन लाता हूँ उन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लें, उन्हें नोट में लिख लें और पूरे वीक उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह से हर अल्फाज आपको आएगा और हर तरह का सेंटेंस बनाने जब आपको आएगा तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो इंग्लिश पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बोलते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।